तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि पायल गारमेंट्स के नाम से हमने एक बैनर डिजाइन किया है। तो कुछ इस टाइप का अगर आप भी बैनर डिजाइन करना सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना। वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद बड़े ही आसानी से आप कुछ इस टाइप का बैनर डिजाइन करने के लिए सीख जाएंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फोटोशॉप में आने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे लेयर पैनल आपको ओपन करना पड़ेगा। तो लेयर पैनल ओपन करने के लिए सिंपली आप विंडो में जाएंगे, यहाँ से लेयर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे साइड में आपका लेयर पैनल खुल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले किसी भी बैनर को बनाने के लिए आपको उसका एक साइज लेना पड़ता है। साइज लेने के लिए सिंपली आपको फाइल में क्लिक करना है। फाइल में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको न्यू का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इसका शॉर्ट कमांड कंट्रोल एन भी है, तो चाहे तो आप कंट्रोल एन क्लिक करके भी कुछ इस टाइप का ऑप्शन को इनेबल कर सकते हो। यहाँ पर आपको न्यू का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, यहाँ पर आप अपना साइज ले सकते हैं। तो यहाँ पे प्रीसेट साइज सबसे पहले दिखेगा, यहाँ तो आपको नाम है तो नाम आप जो भी आप इस फाइल का नाम देना चाहते हो तो यहाँ पर दे सकते हो। तो फिलहाल यहाँ पर मैं 01 नेम दे देता हूँ मैं। उसके बाद यहाँ पे प्रीसेट साइज मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सबसे ऊपर में मिलेगा कस्टम का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे विडिट और हाइट का ऑप्शन मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पे इंच में सेलेक्ट कर देना है विडिट को भी और यहाँ से हाइट को भी। उसके बाद यहाँ पे जो हमने यहाँ पे इंच में 84 आपको देना है। अब 84 कितना फीट हुआ, यानी कि 12 इंच का एक फीट होता है, तो बढ़ सकते 84 यानी कि 12 बाय अगर आप 7 को डिवाइड करेंगे तो 84 आएगा, तो 84 इंच दे दिया, ठीक है। 2.5 फीट का 30 इंच होता है, ठीक है। उसके बाद रेजुलेशन आपको 300 देना है या आप कम से कम 150-100 का यहाँ पे रेजुलेशन आपको देना ही देना है। उसके बाद मोड में आपको RGB सेलेक्ट कर सकते हो या CMYK, अगर आपको प्रिंट करवाना है बैनर तो CMYK सेलेक्ट करना। अभी मैं फिलहाल RGB कलर को रहने देता हूँ। यहाँ पे कंटेंट्स है तो उसको व्हाइट पे क्लिक करके यहाँ से आपको ओके कर देना है। यहाँ पर आपके पास एक साइज आ चुका है, ठीक है। अभी हम इसको यहाँ से इस प्रकार से बड़ा कर देते हैं और इसको इस पेज को थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर आपके पास एक साइज आ चुका है। अब हम इसके अंदर अपना बैनर को डिजाइन करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें आपको एक बैकग्राउंड देना है। बैकग्राउंड अभी हम इसमें ग्रेडियंट्स कलर का देने वाले हैं, जो कि फंटेस्टिक कलर होता है, जो ग्रेडियंट्स में बैकग्राउंड होता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लेयर के नीचे में आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर एडजस्टमेंट का, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ग्रेडियंट्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे कुछ इस टाइप का ग्रेडियंट फिल का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा और यहाँ पे बैकग्राउंड में आपके पास कुछ इस टाइप का कलर फिल हो जाएगा ऑटोमेटिक ब्लैक एंड व्हाइट का, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले एंगल में क्लिक करना है और यहाँ से आपको 180 डिग्री कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्टाइल में आपको लीनियर को सिलेक्ट कर देना है, ठीक है, बाकी सब चीज़ें वही रहेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, चाहे तो आप यहाँ पे रिवर्स पे क्लिक कर सकते हैं वरना आप नहीं भी क्लिक कर सकते हैं। चाहे तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, अभी यहाँ पर ये रिवर्स हो चुका है। अभी मैं इस पर या ग्रेडियंट्स ऊपर वाले कलर पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से कोई भी डबल कलर का यहाँ पे ग्रेडियंट्स को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, कुछ इस टाइप का कलर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो इधर में यहाँ पे हमारा ब्लू है, तो यहाँ पे इधर साइड वाला ब्लू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कलर, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मैं कुछ इस टाइप का कलर को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से ओके करता हूँ और इधर के साइड पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से आपको पूरी रेड कलर को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ से ओके, इधर से भी ओके करता हूँ और यहाँ से भी मैं ओके करता हूँ। तो अभी यहाँ पर देख सकते हो कितना गजब का यहाँ पे बैकग्राउंड हमने लगा दिया है बिना किसी भी मदद से, बिना किसी के बैकग्राउंड लिए हुए। तो अपना यहाँ पे फोटोशॉप में बैकग्राउंड हमने लगा चुके हैं। तो इधर साइड में हम एक शेप का डिजाइन देंगे। शेप का डिजाइन देने के लिए यहाँ पे टूल्स बार में आपको यहाँ पे शेप टूल दिखाई देंगे, यहाँ पे रेक्टेंगल वाले यहाँ पे शेप पे आपको क्लिक करना। राइट क्लिक करके देखेंगे तो बहुत सारे शेप का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ से आपको रेक्टेंगल पे क्लिक करना है और कुछ इस टाइप से आपको यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पे ब्लैक कलर टाइप का फील हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको मूव टूल को सिलेक्ट करना है और कुछ इस टाइप से यहाँ पे साइड में इसको लगा देना है, कंट्रोल टी करना है और यहाँ पे पूरी एरिया पे इसको फिल कर देना है, ठीक है। तो इतना सा एरिया पे आपको फिल करके चारों साइड पे आपको फिट कर देना है, ठीक है। डबल क्लिक करना है, यहाँ पे ये आपका सिलेक्शन हट जाएगा। उसके बाद इसको यहाँ से थोड़ा सा कर्व करना है, ठीक है। अब कर्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से टूल्स बार में यहाँ पर आपको पेन टूल को सिलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पे साइड में क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे एड एंकर पॉइंट का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपने कीबोर्ड में कंट्रोल को प्रेस करके रखना है और यहाँ पे आपको एक छोटा सा पॉइंट मिलेगा सेंटर में, इसको इस प्रकार से यहाँ पे अंदर लेके चले जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस टाइप का शेप आपको दिखाई देगा और यहाँ से आप इसको इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा यहाँ पे इसको आप ड्रॉ कर सकते हो, घुमा सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे बीच वाला पॉइंट को इस प्रकार से यहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है, कुछ इस टाइप से, और थोड़ा सा इसे भी ऊपर लेके जाए। आपको अपने कीबोर्ड में कंट्रोल को दबा के ही रखना है, ठीक है, और माउस का इस्तेमाल करना है।
कुछ इस टाइप का हो चुका है। और अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से मूव टूल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे साइड में क्लिक करेंगे, यहाँ से आपका ये शेप तैयार हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे, इसका एक डबल कलर डबल कॉपी बनाएंगे इस शेप का। तो यहाँ पर आपको देख रहा है कि यहाँ पे लेयर में देख सकते हैं यहाँ शेप है, इसको थोड़ा सा मैं लार्ज कर देता हूँ, यहाँ पे बड़ा हो चुका है। ठीक है, और इसको थोड़ा सा मैं और बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, तो ये जो शेप है इसको सेलेक्ट किया और कंट्रोल जे करेंगे, यहाँ पे देख सकते हो शेप में डबल यहाँ पे आपका एक कॉपी बन चुका है। तो नीचे वाले शेप पे क्लिक करेंगे और इस प्रकार से आपको अपने कीबोर्ड में जो एरो की होता है कुछ इस प्रकार से इसको आगे बढ़ाएंगे और इस पर यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। या तो आप क्या करना है, यहाँ पे सिंपली नॉर्मल पे या ऊपर में क्लिक करना है, इसको ब्लेंडिंग मोड कहते हैं, और यहाँ से आपको ओवरले कर देना है। ठीक है, ओवरले करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, इस वाले शेप में थोड़ा सा इसको एरो की मदद से थोड़ा सा आपको इधर की साइड आपको कर देना है। तो अभी यहाँ पर ये ठीक है। ठीक है, अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हो इसको डबल क्लिक करके व्हाइट कलर भी ले सकते हो, हमने ले लिया। यहाँ से अभी हमने ओके कर दिया। ठीक है, और ऊपर वाले शेप पे आपको क्लिक करना है और इसमें आपको ग्रेडियंट्स फिल करना है। ग्रेडियंट्स फिल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, ऊपर वाले शेप पे क्लिक करना है, इस पर राइट क्लिक करना है और रास्टराइज वेक्टर आपको कर देना है क्लिक, का एक कॉपी बना लेना सबसे पहले, कंट्रोल जे कर देना, यहाँ पे दो कॉपी हो गया, दोनों को यहाँ से लिंक करना है, कंट्रोल ई दबाएंगे, यहाँ पर देख सकते हो एक शेप बन चुका है। अब यहाँ पर आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से सिलेक्शन बन जाएगा और इसके अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ग्रेडियंट्स बनाना है, तो इस पे ग्रेडियंट्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ग्रेडियंट्स ओवरले पे क्लिक करेंगे। शायद यहाँ पे ये ऑप्शन काम नहीं कर रहा अच्छे से, मैं यहाँ पे चेंज करके देख लेता हूँ। अच्छा, काम कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक डबल कलर पे क्लिक करना है। सबसे पहले यहाँ पे डबल कलर पे क्लिक कर दिया हमने, नीचे में यहाँ पे जो ब्लैक आ रहा है यहाँ पर आपको ब्लैक कलर को यहाँ पे क्लिक करना है। नीचे यहाँ पे कलर सेलेक्ट होगा, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको येलो कलर को सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, कुछ इस टाइप से, तो थोड़ा सा यहाँ पे येलो टाइप का मैं कलर ले चुका हूँ और यहाँ पे ओके कर दिया। तो अभी यहाँ पर ये व्हाइट कलर हो चुका है और ये वाला नीचे वाला जो शेप है इसको यहाँ से पहले नॉर्मल कर दें और नॉर्मल करने के बाद इसका कलर यहाँ पे चेंज कर दें। अब चेंज करने के लिए यहाँ से व्हाइट कलर पे क्लिक करके यहाँ पे आपको कोई भी एक कलर ले लेना है और अभी यहाँ पर हो चुका है। और अभी हम क्या करेंगे, इस पर यहाँ पे हम कोई भी एक पिक लगा देंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैं पिक लगा देता हूँ एक, तो यहाँ पर आप गूगल में जब आप लिखेंगे इंडियन साड़ी ओमेन तो यहाँ पे बहुत सारे पिक आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से मैं एक पिक ले लेता हूँ, फिलहाल यहाँ पे ये वाला पिक है, इसको हम राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से कॉपी इमेज पे क्लिक करेंगे, फोटोशॉप में चले जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे अपने शेप के अंदर और कंट्रोल भी करेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हो ये फोटो आ चुका है। इसको यहाँ से ऊपर में यहाँ पे लाएंगे, कंट्रोल टी, और कुछ इस प्रकार से इसे हम यहाँ से पहले बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, कुछ इस टाइप से यहाँ पे बड़ा कर देते हैं और यहाँ पर देख सकते हो ये फोटो आ चुका है। और इसको जूम करेंगे, यहाँ पे इसका बैकग्राउंड को डिलीट करने के लिए यहाँ पे आपको इरेजर टूल में राइट क्लिक करना है, यहाँ से आपको मैजिक इरेजर टूल पे क्लिक करना है, यहाँ पे टॉलरेंस आपको 25 रखना है और व्हाइट कलर पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आपका व्हाइट बैकग्राउंड यहाँ पे रिमूव हो चुका है। ठीक है, और अभी आपको क्या करना है, सिंपली आपको इसे इस प्रकार से यहाँ से पूरी जगह पे इसको बड़ा कर देना है। ठीक है, ताकि ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखे, मैं यहाँ से इसको बड़ा कर दिया। ठीक है, इसको थोड़ा सा इसको साइड में करता हूँ, एंटर दबाता हूँ, ये सिलेक्शन हट गया, यहाँ पे देख सकते हो ये सेट हो चुका है। अभी यहाँ पे मुझे यहाँ पे शॉप का दुकान का नाम लिखना है, तो यहाँ पर मैं कोई भी नाम लिख लेता हूँ, जैसे कि पायल गारमेंट्स मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे टेक्स्ट टूल में आपको जाना है, यहाँ पे टूल्स बार में, और उसके बाद यहाँ पे आपको हिंदी फॉन्ट में मैं यहाँ पे राज फॉन्ट ले लेता हूँ, जैसे दो नंबर का ले लिया, और यहाँ पर मैं यहाँ पे इस पर क्लिक किया और यहाँ पर देख सकते हो कि हमने लिखना शुरू किया, तो यहाँ पे छोटा छोटा टेक्स्ट आ रहा है, कंट्रोल ए करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो कि सेलेक्ट हो गया टेक्स्ट, और यहाँ से इसमें आपको बड़ा करना है। ठीक है, अब बड़ा करने के लिए यहाँ से आपको 200 नंबर का फॉन्ट ले लेना है, 200 हो गया या 400 हो गया, तो यहाँ पे 400 का नंबर का हमने यहाँ पे ले लिया, जिससे हमारा ये बड़ा हो चुका है। इसका कलर चेंज करने के लिए सिंपली आपको व्हाइट कलर पे, यहाँ पे ब्लैक कलर ऊपर में है, इसको क्लिक करेंगे, यहाँ से आपको व्हाइट कलर सेलेक्ट कर लेना है, ओके कर देना है, यहाँ पे ये व्हाइट कलर में हो चुका है। ठीक है, इसको यहाँ पे इस प्रकार से रखेंगे और अब यहाँ पे टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करके इसको सेलेक्ट करेंगे और अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पायल गारमेंट्स। तो यहाँ पर देख सकते हो कि हमने पायल गारमेंट्स लिख चुका हूँ और इसको क्या करना है, इसको इस प्रकार से इसको साइड में लाना है, कंट्रोल टी, और पूरी एरिया में इसको बड़ा कर देना है कुछ इस टाइप से। ठीक है, और डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर देख सकते हो ये हो गया पायल गारमेंट्स। ठीक है, और यहाँ पे बीच में यहाँ पे एंड का एक लोगो हम चाहे तो लगा सकते हैं, तो गूगल में जाके हम सर्च कर लेते हैं एंड का लोगो। तो यहाँ पर आपको गूगल में टाइप करना है एंड लोगो, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगो आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कोई एक लोगो ले लेता हूँ, फिलहाल यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस टाइप का लोगो है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से राइट क्लिक,
कॉपी करेंगे, चले जाएंगे फोटोशॉप में और यहाँ पर हम कंट्रोल बी करेंगे, कंट्रोल टी करेंगे। यहाँ पर देख सकते हो सिलेक्शन हो चुका है, इसको हम इस प्रकार से बड़ा कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो ये बाकी का लोगो है, इसको हम डिलीट करेंगे। यहाँ से सबसे पहले सिलेक्शन टूल नीचे वाले पार्ट को यहाँ से सेलेक्ट, डिलीट बटन प्रेस करेंगे, यहाँ से डिलीट हो गया। इसका बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए इरेजर टूल में क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके यहाँ पे मैजिक इरेजर टूल को सेलेक्ट करना है और व्हाइट वाले कलर पे आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे देख सकते हो व्हाइट कलर आपका डिलीट हो चुका है और इसके अंदर हमें ड्रॉप शैडो देना है, तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिया और लेयर में जाएंगे, लेयर स्टाइल और यहाँ पे ड्रॉप शैडो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से व्हाइट कलर पे आपको क्लिक कर देना, सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से ब्लेंडिंग मोड, यहाँ पे नॉर्मल, ओपेसिटी 100 कुछ इस प्रकार से आपको बढ़ा लेना है, ठीक है। डिस्टेंस को, स्प्रेड को भी बढ़ा लेना है और साइज को यहाँ से आप जितना मर्जी चाहो इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। स्प्रेड को और ज़्यादा बढ़ा ले, ये हो गया हमारा। और उसके बाद अभी यहाँ पे मैं ओके कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये चीज़ें हमने लगा दिया इस पर। और नीचे में मुझे साड़ी सेंटर लिखना है, तो यहाँ पर मैं इसी टेक्स्ट का एक कॉपी बना लेता हूँ। कॉपी का, इस टेक्स्ट का कॉपी बनाने के लिए पहले इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अल्ट और शिफ्ट प्रेस करना है और इस प्रकार से इसे नीचे खींचना है, यहाँ पे ये कॉपी बन जाएगा। अब यहाँ पर मुझे साड़ी सेंटर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं साड़ी सेंटर लिख लेता हूँ। यहाँ पे हमने साड़ी सेंटर लिख दिया है। इसका कलर चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे इस प्रकार से और ऊपर में आपको कलर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको येलो कलर को ऊपर में सेलेक्ट कर लेना है, ओके कर देना है। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे साड़ी सेंटर हमने लिख दिया। इसका फॉन्ट चेंज करने के लिए कंट्रोल ए से सेलेक्ट करना है और यहाँ पे टाइटल फॉन्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे बहुत सारा आपको फॉन्ट राज का मिल जाएगा, तो यहाँ पे जो भी आपको पसंद आए वो वाला फॉन्ट ले सकते हो। अभी ये वाला फॉन्ट मुझे बहुत ही सुंदर लग रहा है, कंट्रोल टी करके इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ मैं और इसको भी थोड़ा सा ऊपर कर देना है। यहाँ देख सकते हो साड़ी सेंटर हो गया हमारा और यहाँ पे थोड़ा सा इसको और छोटा कर देते हैं दो साइड से, ठीक है। ये हो गया और यहाँ पे कुछ यहाँ पे लोगो वगैरह मुझे लगाना है तो मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो जब आप गूगल में ड्रेस पिक का लिख के सर्च करेंगे तो बहुत सारा आपके पास यहाँ पे ड्रेस दिखाई देंगे, तो यहाँ पर मैं अभी यहाँ से ड्रेस लेने वाला हूँ। तो यहाँ पर फिलहाल मैं कोई अच्छे सा ड्रेस यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर मैं इस टाइप का यहाँ पे ड्रेस है, तो अभी हम क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे और चले जाएंगे फोटोशॉप में और यहाँ पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल बी लिख पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर देख सकते हो आ चुका है, इसको इस प्रकार से बड़ा कर देना है, ठीक है। और डबल क्लिक करेंगे, इसको साइड में ले आएंगे और सिंपल इसका भी यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूव करेंगे, इरेजर टूल को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से मैजिक इरेजर टूल और यहाँ पे इस पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे वाइट बैकग्राउंड आपका हट चुका है। तो और भी जितने भी यहाँ पे पिक्स है मैं यहाँ से फटाफट से ले लेता हूँ। तो अभी यहाँ पे हमने ड्रेस का पिक भी लगा दिया है और थोड़ा सा यहाँ पे इंट्रैक्शन वगैरह अगर आप यहाँ पे लिखना चाहते हो तो कुछ यहाँ पे शेप वगैरह भी दे सकते हो आप। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक थोड़ा सा शेप लगा देता हूँ। तो ये रहा यहाँ पे राउंड टाइप का यहाँ पे शेप है कुछ इस टाइप का, यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको इस प्रकार से बड़ा कर लेता हूँ, कंट्रोल टी करके यहाँ पे इसको बड़ा कर दिया हमने इसको, ठीक है। और यहाँ पे सेंटर में करके डबल क्लिक किया, इसको थोड़ा सा ऊपर, इसको थोड़ा सा साइड यहाँ पर, ठीक है। अभी यहाँ पे हमारा शेप आ चुका है और इसका यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, ठीक है। और देख सकते हो यहाँ पे हमने एक शेप ले लिया, इसके अंदर यहाँ पे जो भी चीज़ें आपको लिखना हो वो यहाँ पर आप लिख सकते हो। तो अभी यहाँ पर आप देख ही सकते हो कि यहाँ पे हमने बच्चों के लिए फैंसी कपड़े के लिए अवश्य पधारे यहाँ पे हमने इंस्ट्रक्शन लिख दी और अवश्य पधारे का एक ऑप यहाँ पे लोगो दे दिया। और यहाँ पे देख सकते हो कितना बेहतर तरीका से सिंपल और एट्रैक्टिव यहाँ पे बैनर डिजाइन हमने कर चुके हैं। इसको सेव करने के लिए सिंपल आपको यहाँ पे फाइल में क्लिक करना है और यहाँ पे सेव एज ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको लोकेशन सेट करने के, कहाँ पर आप इसको सेव करना चाहते हैं, अभी हम फिलहाल डेस्कटॉप में सेव करना चाहते हैं। और यहाँ पे फाइल का नाम आप जो भी देना चाहते हो, यहाँ पर आप बैनर लिख सकते हो, ठीक है। ये आप जिस नाम से बैनर बनाया है, जैसे पायल गारमेंट्स, तो यहाँ पे हमने पायल गारमेंट्स लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर फॉर्मेट्स नीचे आपको दिखेंगे, यहाँ पे फॉर्मेट्स, तो यहाँ पे किस फॉर्मेट्स में आप सेव करना चाहते हो। अगर आप जेपीजी में सेव कर दोगे तो ये फाइल बहुत ही ज़्यादा लूज हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको प्रिंट करवाना चाहते हो तब आप इसको टी फाइल में सेव करें और सेव करने के बाद फिर आप दोबारा किसी भी फाइल में आप इसको सेव एज कर सकते हो, अलग अलग फाइल में फॉर्मेट में। तो यहाँ पर मैं फिलहाल में टिफ में सेव कर देता हूँ और यहाँ से ओके कर देता हूँ, यहाँ से भी ओके कर देता हूँ और यहाँ से भी ओके। टिफ में क्या होता है कि एज इट इज रेजुलेशन में यहाँ पर सेव होता है। तो यहाँ पे आई होप कि वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, कुछ इस टाइप से आप अपने लिए भी बैनर डिजाइन कर सकते हो। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।